म्यांमार में हिंसा के कारण बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों के पलायन के करीब 3 सप्ताह बाद बांग्लादेश सीमा पर हजारों लोग शरणार्थी बस्तियों में मदद और सुरक्षा की बाट जो रहे हैं। विश्व भर में इस संकट की आलोचना की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी म्यांमार में जातीय सफाई के अभियान को रोकने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत करीब 4 लाख रोहिंग्या लोगों ने रखिन प्रांत से पलायन कर दिया है। एक रोहिंग्या व्यक्ति ने बताया कि उनके गाँव राशिडोंग में 6 दिन पहले म्यांमार सैनिक और पुलिस ने हमला किया। अब्दुल गफूर ने कहा कि जब सेना और पुलिस ने हमारे गांवों को घेरा और आग लगाने के लिए हम पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया तो हम अपने गांव से भागे और जहां भी रास्ता मिला हम उसी दिशा में बढ़ते गए। म्यांमार के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता जाव ते ने कहा कि राखिन के 3 शहरों में 471 बंगाली गाँवों में से 176 गाँवों में अब वीरानी छाई हुई है, जबकि कम से कम 34 गाँव अशिंक रूप से खाली है। ह्यूमन राइट्स वॉच के एक सेटेलाइट तस्वीर जारी की है जिसमें बताया गया है कि पिछले 6 हफ्तों में रोहिंग्या मुसलमानों के 1200 घर को तोड़ दिया गया है, 700 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। हिंसा से बचकर भागे चश्मदीदों ने बताया कि पश्चिम रखिन राज्य में बर्मा की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स बच्चों को गोली मार दे रही है। चश्मदीद अब्दुल रहमान ने बताया कि मेरे भाई को मार दिया गया, सैनिकों ने उसे समूह के साथ जिंदा जला दिया था। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने म्यांमार के राखिन प्रांत में रोहिंग्या मुस्लिमों के गांवों की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, जिसमें गांवों की योजनाबद्ध तरीके से जलाए जाने के संकेत मिलते हैं। एमनेस्ट का कहना है कि इस बात के सबूत हैं कि सुरक्षा बल अल्पसंख्यकों को देश से बाहर करने की कोशिश कर रही है, जबकि म्यांमार की सेना का कहना है कि वो सिर्फ चरमपंथियों से लड़ रही है और नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। म्यांमार ने रोहिंग्या पर खुद अपने घरों और गांवों को फूंकने का आरोप लगाया है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने यह कहकर आलोचना की है कि यह सच्चाई को पूरी तरह से खारिज करना है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गुरुवार को विश्व संस्था के मुख्यालय में संवाददाताओं को बात बताया कि बीते 24 घंटे में करीब 10,000 लोगों के सीमा पार कर जाने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज।